सियासत अंग्रेज से और अमरीकियों से नहीं सीखी है, मैंने सियासत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी है। मैं उसी सियासत पर ईमान रखता हूँ, मैं उसी सियासत पर यकीन रखता हूँ। उनकी सियासत यही है कि कोई भूखा ना सोए, इसलिए हमारी हुकूमत आई तो जितने बेरोजगार नौजवान है रोजगार मिलने तक उनको हम बेरोजगारी अलाउंस देंगे। हमारी हुकूमत आई तो उसमें इलाज मुफ्त होगी, हमारी हुकूमत आई तो बच्चों के लिए तालीम मुफ्त होगा, हमारी हुकूमत आई तो 70 साल की बूढ़े मर्द और बूढ़ी खातून को बुढ़ापा अलाउंस मिलेगा, हमारी हुकूमत आई तो 5 बीमारियों का इलाज हम मुफ्त करेंगे, जिसमें कैंसर की बीमारी, यकृत की बीमारी, दिल की बीमारी और गुर्दों की बीमारी और बच्चों के थैलेसीमिया की बीमारी। मेरे दोस्तों, हमारी हुकूमत आई कोई आदमी अपने घर के अलावा अपने घर से महरूम नहीं रहेगा। हर पाकिस्तानी को शेल्टर देना, हर पाकिस्तानी को घर देना, ये इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है। मैं उलमा से भी कहना चाहता हूँ कि आपको भी एक होना चाहिए, इस्लामी हुकूमत आई तो मस्जिद के आइमा को तनख्वाहें देना ये कौम की नहीं ये रियासत की जिम्मेदारी होगी, हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। पिछले काबिल मसाजिद का ये हुकूमत अदा करेगी, ये आप पर बोझ नहीं पड़ेगा। एक वेलफेयर इस्लामी रियासत यहाँ बनाना चाहता हूँ। मेरे लिए मॉडल हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत है। उस हुकूमत में एक बादशाह और एक देहाती एक सब में नजर आता है। उस हुकूमत में मैंने देखा कि कहत के जमाने में अगर आम आदमी तकलीफ में है तो खलीफा भी तकलीफ में है। अदल का निजाम, इंसाफ का निजाम, मसावात का निजाम और अल्लाह के रसूल का निजाम जमात इस्लामी चाहती है।